हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके सामने सीजर्स, जिसको आप स्टेटस एपिलेक्टिकस भी कहते हैं या कन्वल्सन भी कहते हैं। मिर्गी का दौरा आप हमारे लैंग्वेज में बोलें, हिंदी में बोलें तो। सी, डॉग्स में मिर्गी आने के बहुत सारे कारण हैं। मेरे पास भी पेट है और उसको भी मिर्गी आता है, तो मैं बहुत ही करीब से जानता हूँ जब किसी डॉग्स को ये सीजर्स की प्रॉब्लम होती है तो हमें कैसा लगता है। एक दो मिनट के लिए हम बहुत डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, दवाएं में डॉक्टर। फिर भी जब मेरे डॉग्स को खुद ये प्रॉब्लम होती थी तो मैं रो पड़ता था। सी, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी डॉग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पपी में जनरली हैवी वॉर्म लोड्स भी कारण हो सकता है, समटाइम टीथिंग की वजह से भी पपी में फिट्स की प्रॉब्लम, सीजर्स की प्रॉब्लम आती है। बट जो वर्म्स के कारण जो फिट्स की प्रॉब्लम आती है वो ट्रीट हो जाता है अगर आप डिवर्म कर दो। टीथिंग की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, आप कैल्शियम वगैरह देते हो तो वो कोई इशू नहीं है। कुछ वायरल डिजीज होते हैं जैसे डिस्टम्पर है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मॉर्टलिटी रेट काफ़ी हाई होता है, अगर उसकी वजह से फिट्स आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पपी को बचाना। अब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, उनमें मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है। जनरली वर्म्स के कारण एडल्ट में मिर्गी के दौरे नहीं देखे गए हैं, बट हाइपोग्लाइसीमिया, अचानक से शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम जाना, अगर कोई डायबिटिक है उसको इंसुलिन का इंजेक्शंस लग रहा है, किसी वजह से एक लेवल पे वो फ्लक्चुएशन हो रहा है और बिना टेस्ट किए हम इंसुलिन का डोज हाई दे देते हैं, तब भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ऐसे केसेज में भी फिट्स आ सकता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल आपका 40-50 के नीचे आता है मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। दूसरा हाइपोकैल्शीमिया, अगर शरीर में कैल्शियम की काफ़ी कमी है तो भी फिट्स के दौरे पड़ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो भी, ब्रेन में कोई सिस्ट डेवलप हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, अंदर कोई हल्की ब्लीडिंग हुई हो, तब भी ये फिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके डॉग को किडनी प्रॉब्लम है और एक क्रॉनिक है, तो बॉडी में टॉक्सिन्स क्रॉनिक जब एकुमुलेट होता है तब भी एक टाइम के बाद ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, और ऐसे डॉग्स में भी मिर्गी की समस्या देखी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जिनमें पकड़ना बहुत मुश्किल है कि उनको मिर्गी आता क्यों है। ऐसे में मैनेजमेंट ही बेस्ट रास्ता होता है। बड़े डॉग में कैनाइन डिस्टम्पर में भी आ सकता है, बट जनरली उन प्रॉब्लम्स के कारण जिनके कारण मिर्गी आती है, 2-4% ही ऐसे होते हैं जिनमें डॉग को हम बचा नहीं पाते। बट ज़्यादातर जो मिर्गी की प्रॉब्लम्स आती है वो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जनरली अगर आपके डॉग को मिर्गी 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने में एक बार आता है कोई 20-30 सेकंड के लिए, तो उसको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मिर्गी की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तभी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जो आपको लगातार खिलाना है। एक चीज़ और, जो भी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है जनरली ये लंबा चलता है, तो जब एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो कम से कम 6 महीने साल भर आपको चलाना होगा। फिर उस दौरान अगर मिर्गी नहीं आती है तो उसको डोज को आपके डॉक्टर टैपर करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे उसको दोबारा मिर्गी आ रहा है कि नहीं, डोज को कम करके दिया जा सकता है कि नहीं। तो ऐसे केसेज में, ऐसे डॉग्स में जिसमें मिर्गी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी कॉमन है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, रेगुलर मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो अगर किसी भी डॉग को मिर्गी 5-10 मिनट से ज़्यादा आता है तो कभी कभी वो एक्सपायर भी कर सकता है। तो आप ध्यान रखें अपने डॉग का, ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।